बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ये देखिए, मेरे पास यहाँ पर कुछ डाटा है। यहाँ पर हमने एक सम का फंक्शन यूज़ किया है। यहाँ पर अगर मैं वैल्यू को चेंज करता हूँ तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही है। अगर हम यहाँ पर फार्मूला में एडिट करना चाहें तो हम एडिट भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो फंक्शन मैंने अप्लाई किया हुआ है वो हमें यहाँ पर फंक्शन यहाँ पर फार्मूला बार में भी शो नहीं हो रहा। ये क्रिएटिव जो टेक्निक है, हम किस तरह यूज़ करके अपने फार्मूलाज को हाइड कर सकते हैं ताकि किसी को भी पता ना चले हमने सेल में कौन सा फंक्शन अप्लाई किया है और कोई भी हमारे फंक्शन में कुछ भी एडिट ना कर सके। उसके लिए हमने क्या करना है, एक शीट में जाना है, वहाँ पर हमने डाटा लेना है। और ये मैंने सेल हाईलाइट किया है। यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल फंक्शन यूज़ करूँ, ये मैं सम का फंक्शन यूज़ करता हूँ, ये रेंज सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर अभी क्या हुआ है कि यहाँ पर हमें यहाँ पर फार्मूला बार में फंक्शन शो हो रहा है। हमने क्या करना है, ये सारी रेंज सेलेक्ट करनी है। यहाँ से हमने फॉर्मेट में जाना है, यहाँ पर लॉक का सेल, लॉक सेल होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। फिर आपने ये सेल सेलेक्ट करना है, दोबारा से यहाँ पर जाना है, फॉर्मेट सेल्स पर क्लिक करना है, प्रोटेक्शन पर जाना है, लॉक्ड और हिडन दोनों बॉक्सेस को चेक लगाकर आपने ओके कर देना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से रिव्यू में जाना है, प्रोडक्ट शीट पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। होम में मैं जाता हूँ, देखिए अब मैं यहाँ पर अगर क्लिक करूँ मुझे यहाँ पर फंक्शन शो नहीं हो रहा। यहाँ पर हम इसको एडिट करने की कोशिश करें तो हम एडिट भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर अगर कोई वैल्यू यहाँ पर एंटर करें हम, तो ये फंक्शन ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। तो इस तरह अगर आप अपने फंक्शंस को हाइड करना चाहते हैं कि कोई भी पर्सन फंक्शंस को देख भी ना सके, उसमें एडिट भी ना कर सके, तो ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं।